हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल, आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका अवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे, आपकी जिंदगी पे, आपकी पढ़ाई पे, आपके ऊपर, आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल ले लो, फर्क बहुत पड़ता है। आप मानो चाहे ना मानो इस बात को, आप मेरे साथ एग्री करो या डिसएग्री करो, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस चीज का आपकी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आपका एनवायरनमेंट अगर मान लो कुछ पढ़ाकू दोस्तों का होगा, या फिर मान लो आप, मैं क्या था, मैं अपने स्कूल में 5 दोस्त थे, हम 5 दोस्त थे, उसमें से मैं, सही बताऊं, मैं बहुत अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था उसमें। बाकी के 4 जो थे, उसको उनको बड़ा फील होता था, उनकी वजह से, है ना, क्या होता था, मुझे इम्पैक्ट होता था। बट उल्टा हुआ, क्या हुआ, प्री बोर्ड हुए, मैंने इन सबको मोटिवेट करा कि हम सब मिलके पढ़ते हैं, हम 5ों दोस्तों के प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। आप टॉपर्स के बीच में रहोगे, आपको खुद का मन करेगा कि मैं भी टॉपर बन जाऊं, ये होता है। अगर आपके दोस्त ही ऐसे बोलेंगे क्या करना है यार, पढ़ लिख के हो, पास तो हो ही जाना है, तो यही एटीट्यूड आपको पूरी जिंदगी रहने वाला है। मैं 10th की बात नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी 10th में थोड़े ना रहोगे, आगे जाके लाइफ में भी तो आगे जाना है। तो आपके दोस्तों की वजह से आपका एनवायरमेंट खराब होता है। इसलिए कहते हैं जैसी, क्या बोलते हैं, कंपनी होती है, वैसे ही हम अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपके बोर्ड के पेपर में ये 4 या 5 नंबर के राउंड ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। बट जिनको मुझसे पढ़ना है और जिनको फुल स्कोर करना है, तो यार हमारे लिए तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 5 नंबर कोई कम नहीं होते यार। 80 से बच्चा सीधा 75 पे पहुंच जाता है ना। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, बिल्कुल बेसिक समझेंगे एनवायरमेंट के बारे में, और सिंपल टॉपिक है, आपको खुद लगेगा पढ़ने के बाद कि टॉपिक कितना सिंपल है, बायो का टॉपिक है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जानेंगे और इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट, ये हमारा एनवायरनमेंट है। देखो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हम भी बिहेव करेंगे। मान लो दिल्ली का अगर हम बात करें, तो दिल्ली का इस टाइम अराउंड AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट 200 या 300 के अराउंड पहुंचा होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप कहीं फॉरेन की बात करोगे, तो वहां पर AQI 1 भी होता है, 0 भी होता है। तो जस्ट इमेजिन वहां पर कितनी ज्यादा नेचुरल चीजें ग्रो होती होगी, और उनकी हेल्थ कितनी अच्छी होती होगी, है ना। चाइना जापान में हमने देखा हो, लोग कितने हेल्दी और फिट होते हैं, बट इंडिया में कितने की दिक्कतें होती है, क्यों होती है, क्योंकि हम सारा मिलावटी खाना खाते हैं। एनवायरमेंट का हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। एनवायरमेंट बनता किससे है, जितना भी आप फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहां पे हम रहते हैं, इसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। अच्छा तो कॉपी पेन निकाल लेना, पहले मैं बोलना भूल गया, कॉपी पेन निकाल लेना, साथ साथ नोट करते हुए चलना, ठीक है। इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे ही पढ़ लोगे, इजी का मतलब होता है कि उसको और अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है हमें छूटे ना। और टीचर है ना, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकती है, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से देगी, अगर बाहर से भी दे देती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ही आप इस चैप्टर कर पाओगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहां पे आप रहते हो, इसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। ये एयर, वाटर बॉडी, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ मिलके बनता है एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये देखो, सॉयल, वाटर बॉडीज, इन सबसे मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ये आपका हो गया सारा, एयर, क्लाउड्स हो गए सारे हमारे, है ना। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, उतने अच्छे ऊपर क्लाउड्स होंगे, उतने ज्यादा क्या होगा हमारा, साफ एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको एनवायरनमेंट में, एक मिलेंगे बायोडिग्रेडेबल और एक मिलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेड, बायो का मतलब होता है नेचुरल, बायो मतलब नेचुरल, डिग्रेड मतलब क्या करना, उसको फिनिश कर देना, उसको डीकम्पोज कर देना। डीकम्पोज का मीनिंग शायद ना पता हो आपको, डीकम्पोज का मीनिंग होता है उसको फिनिश कर देना, पूरा खत्म कर देना। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायो मतलब जो नेचुरली खत्म हो जाते हैं। आपको रट्टा ही नहीं मारना पड़ेगा, रट्टा क्यों मारना है इस चैप्टर का। बायोडिग्रेडेबल जो ऑटोमेटिकली, जो नेचुरल ही चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरली चीजें आप खत्म नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है प्लास्टिक। प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में बहुत सालों लग जाते हैं, और अगर यहीं पे अगर मैं किसी जानवर की बॉडी को अगर मैं डाल लूंगा मिट्टी में, क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगी ना हमारी स्किन, स्किन तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है ना। तो ये सारे क्या हो गए, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल को हम नेचुरली खत्म कर सकते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप नेचुरली खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल। बायो, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आप उसको मिट्टी में डालोगे,
मिट्टी में डालने के बाद क्या होगा, डिकम्पोजर आएंगे, उस पर ऐड करेंगे, उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि आपको शायद पता होगा, प्लास्टिक कप से हम आ गए पेपर कप पे। पहले ट्रेन में ना प्लास्टिक कप होते थे, अब आजकल जो आपको देखा होगा हर जगह, पब्लिक जगह पे, जहां पे गवर्नमेंट की जगह है वो, वहां पे पेपर कप चलता है। रीजन क्या है? बिकॉज पेपर इज बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आपको शायद पता भी होगा, बीच में बड़ा चला भी था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है दिल्ली में, है ना। तो प्लास्टिक क्या करती है, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है। तो बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जिसको आप मिट्टी में डाल के खत्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गया वूल, पेपर, ग्रास, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे आप किससे, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। आप कितना भी डाल दो, ये देखो कैसे डंप यार्ड है, कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, पॉलीथीन बैग बैन है। और कभी भी नोटिस करना क्या ना, पहले तो बीच में बिल्कुल बैन हो गया था, बट फिर से वही दिक्कतें शुरू हो गई। जब भी आप जाओ यार, जब भी आप क्या जाओ, शॉपिंग करने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, हमेशा जूट बैग लेके जाओ, क्योंकि जूट बैग से क्या होता है, आपका पॉल्यूशन नहीं फैलता, पॉलीथीन यूज नहीं होती, और जितनी कम पॉलीथीन यूज करोगे उतना अच्छा आपका क्या रहने वाला है, एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जब सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, और बात करेंगे इवन आपस से इंटरैक्ट करेंगे, किसी भी चीज से इंटरैक्ट करेंगे, तो वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है जंगल। जंगल एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर ने बनाया है। कुछ इकोसिस्टम खुद भी बनाते हैं, जैसे एग्जांपल लो एक्वेरियम, एक्वेरियम वाला इकोसिस्टम है ना, एक्वेरियम बनाते हैं, उसको साफ करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, मछलियां मर जाती है ना। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, किसमें, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टूगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये क्या करता है, ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर देता है, सारे लिविंग और नॉन लिविंग मिलके, है ना। लिविंग ले लो आप, आपके सामने मैंने दो इकोसिस्टम दिखाए, एक मैंने दिखाया ये वाला, सी वाला। अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लू, ऑर्गेनिज्म ले लो आप, मान लो फिश ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिश ले लो, फ्रॉग ले लो। अच्छा, नॉन लिविंग क्या ले हम, नॉन लिविंग आप ले लो, मान लो वाटर, वाटर इज नॉन लिविंग, सॉयल ले लो, ठीक है। ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ना, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम है। पेपर में यही डेफिनेशन लिख के आनी है भाई, तभी मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, इट विल बिकम एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, देर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक जो नेचर में मिलेगा इसको मैं बोलूंगा नेचुरल इकोसिस्टम, और एक जो हम बनाएंगे इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक जो नेचर में मिलेगा और एक जो हम बनाएंगे, नेचुरल कौन सा हुआ, जैसे फॉरेस्ट हो गया ना, फॉरेस्ट एक तरह का क्या है, फॉरेस्ट एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर में मिलता है। आर्टिफिशियल मैंने बताया एक्वेरियम हो गया, और कोई एग्जांपल दो आर्टिफिशियल का, सोचो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गार्डन, हो सकता है पार्क, हो सकता है, ये हमें तो करना होता है फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट तो हम साफ नहीं करते, ना ही आप ओशन साफ करते, ओशन क्या नेचुरल इकोसिस्टम है, ना ही आप पॉन्ड साफ करते हैं, ना ही आप लेक, ये सारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर से बनता है ऑन इट्स ओन, इसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, लेक, और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसानों ने बनाया है, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल हो गया क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सारा क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये जरा ध्यान से पढ़ना। तो मैं आपको पूरा एक एक कंपोनेंट समझाऊंगा, फिर मैं एक एक करके चीजें हम पढ़ लेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट, मैंने बताया ना इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग।
लिविंग हो गया आपका बायोटिक, लिविंग को हम साइंस में बायोटिक कहते हैं, बायो मीन्स जिसके पास लाइफ होती है, बट अभी तो बायोलॉजी पढ़ा जाता है, बायो मीन्स जिसके पास लाइफ होती है, बायो का मीनिंग ही लाइफ होता है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। नॉन लिविंग में आ गया एयर, वाटर और लैंड। अब अगर वो लिविंग है तो उसके भी तीन पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मीन जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कौन करते हैं, दे आर दी प्लांट्स। प्लांट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के बिना तो अर्थ पे खाना आ ही नहीं सकता। अब ये मत बोलना यार कि सर मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, तो यार नॉन वेज भी खाते हो। अगर अब मैं फूड चेन की भी बात करूं तो अल्टीमेटली शुरुआत में तो प्लांट्स ही खाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समझदारी मत दिखाना। कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गया जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं, फॉर फूड, खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल हो गया हर्बीवोर। हर्बीवोर जो क्या खाते हैं, जो वेज खाना खाते हैं, या मैं बोलूं जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर। वेज वालों को तो नहीं बोलेगा यार, प्लांट्स खाने वालों को। जैसे एग्जांपल हो गया काओ, हर्बीवोर है। कार्निवोर, कार्निवोर का मीन होता है मीट ईटिंग वालों को क्या बोलेंगे, कार्निवोर। हम ना हर्बीवोर में आएंगे, हम ना कार्निवोर में आएंगे, हम आएंगे ओमनीवोर में, जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। हम तो कुछ भी खा लेते हैं यार, कोरोना में याद है ना चाइना वाले कितना कुछ खाते थे, नहीं जो मिला खा लिया, बस खाना है कैसे भी खाओ, नहीं है ना, प्लांट खाओ, कीड़े मकोड़े खाओ, और क्या कहता है, चमगादड़ खाओ जैसे कोरोना आए, नहीं। तो ये होता है ओमनीवोर। ओमनी, ओमनी मतलब जो सब कुछ खा सकता है, ओमनी मीन्स एवरीथिंग, जो दोनों खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है मीट, इंसान इसी में आएगा। पैरासाइट, पैरासाइट हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, पैरासाइट जो आपसे न्यूट्रिशन ले लेगा बट आपको मारेगा नहीं, न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा बट आपको मारेगा नहीं। जैसे जू, लीच हो गया, लीच लाइस हो गया, है ना, ये सारे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉम्पोनेट ऑफ एन इकोसिस्टम, देर आर मेनली टू कॉम्पोनेट ऑफ एन इकोसिस्टम, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग वाले को हम कहते हैं बायोटिक। बायोटिक मीन जिसके पास लाइफ होती है, जो लिविंग, जो जिंदा है, लिविंग। जैसे कि ट्री, ऑर्गेनिज्म, ये ट्री हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सारे क्या है, दे ऑल आर लिविंग, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सारे किसमें आएंगे, बायोटिक में। ए बायोटिक में आएगा नॉन लिविंग, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉयल, विंड, ये सारे क्या है, ये सारे नॉन लिविंग है। तो जब भी कोई भी इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग की फर्दर तीन टाइप थे ना, याद है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन हैव द एबिलिटी टू ग्रो, जो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और वेस्ट भी निकाल सकते हैं, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से, एक होते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, सारे पौधे, सारे ग्रीन प्लांट इसमें आ जाएंगे। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल हो गया, सारे प्लांट्स आपके इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो गए, ऑल दी प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर, सारे प्लांट्स क्या है आपके, प्रोड्यूसर्स है। सो प्लांट्स के बाद क्या आएगा आपका, प्लांट्स हमारे सारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद आएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर की फर्दर तीन कैटेगरी थी। कंज्यूमर होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करेंगे फूड को, प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। आप भी किसी ना किसी प्लांट पे डिपेंडेंट हो 100%, आप मानो या ना मानो, आप हो डिपेंडेंट। दे फर्दर एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग, लायन, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला क्या था, इंसान, है ना, लायन हो गया आपका, ये सारे क्या है, कंज्यूमर है। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। शुरू करें हर्बीवोर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर क्या होते हैं, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो पूरे दिन बस चरते रहते हैं, चर 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 चर, जैसे कि काओ काओ कर देता है, इसको हम हर्बीवोर कहते हैं। एग्जांपल हो गया काओ, गोट, एक्सेट्रा। गोट भी पूरे दिन क्या, पूरे दिन काओ, आपको पता है क्योंकि सेलुलोज होता है इसमें, जो हम हर्बीवोर खाते हैं इनके पास सेलुलोज होता है। आप अगर खाने की कोशिश करोगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे यार, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती उसको। कार्निवोर जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो या दूसरों को खाते हैं, उनको कार्निवोर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया लायन या टाइगर।
लायन या टाइगर हो गया, तीसरा ओमनीवोर जो सब कुछ खा लेंगे, जो प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे, दोनों खा लेंगे, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर, इनको ओमनीवोर कहते हैं। ओमनी जो सब कुछ खा लेगा, डॉग, क्रो, है ना, ह्यूमन बींग, ये इंसान को कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खिला दो, उसको कोरोना वायरस का चमगादड़ खिला दो, खा लेगा वो, है ना। मुझसे तो आप जानते हो ये चीज कि कोरोना में कितना कुछ देखने को मिला कि चाइना वाले क्या क्या खाते हैं, पूरे साल हमने यही तो देखा है कि एग्जैक्टली चाइना वाले खाते क्या है, नहीं। एनीवेज नेक्स्ट, डीकम्पोजर, जिनको आप चीजों को डीकम्पोज कर सकते हो, आपने मिट्टी में डाला, कुछ टाइम बाद वो चीजें खत्म हो गई, इनको हम डीकम्पोजर कहते थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्रोमाइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो क्या करेंगे, जो चीजों को ब्रेक डाउन कर देंगे, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इंटू द सॉइल। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि उसने मिट्टी में चीजों को डाला और बैक्टीरिया और फंगस उस पर एक्ट करा, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, मिट्टी में बिल्कुल खत्म हो गया, उसी में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया मिट्टी के अंदर ही, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डीकम्पोजर। यही काम करते हैं डीकम्पोजर, ये सारे डीकम्पोजर है, ठीक है। ये देखो मशरूम, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये बैक्टीरिया भी क्या करता है, चीजों को क्या करता है, डीकम्पोज होने में हेल्प करता है। सो आज हम पार्ट वन अवर एनवायरमेंट का यहीं तक करने वाले हैं, उसके सिर्फ दो ही पार्ट बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको जरा अच्छे से देख लेना, पार्ट टू मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर यहाँ पे मैसेज कर देना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय।